225 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद, 3 गिरफ्तार, 224 किलो 300 ग्राम अवैध पटाखे बरामद। द्वारका जिला पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 224 किलो 300 ग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान शंकी निवासी उत्तम नगर, सुरेश तारेजा निवासी विकासपुरी और राकेश कुमार निवासी रावड़ा मोड़ के रूप में हुई है। द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि द्वारका में अवैध पटाखों के विक्रेता के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई थानों की टीमों का गठन किया गया है। पुलिस को जांच के दौरान 3 दुकानों हस्ताल रोड, उत्तम नगर, मेट्रो पिलर नंबर 661, मेन नजफगढ़ रोड के पास और डाबर इंक्लेव राप्ता मोड़ पर अवैध पटाखों की बिक्री के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्होंने अपनी दुकानों पर भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण किया है। सूचना के अनुसार इन स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच से एक दुकान पर शंकी निवासी हस्ताल रोड उत्तम नगर दुकान का मालिक, दूसरी दुकान पर सुरेश तारेजा निवासी विकासपुरी और तीसरी दुकान पर राकेश कुमार निवासी राप्ता मोड़ को गिरफ्तार किया गया। दुकानों की जांच करने पर उनकी दुकानों से कुल 224 किलो 300 ग्राम अवैध पटाखा बरामद किया गया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज किए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के तहत पुलिस भी पटाखों को बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी हुई है। एक सूचना पर जब द्वारका पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा तो उनके कब्जे से 225 किलो पटाखे बरामद हुए। अब दोनों युवक पहुंच गए हैं जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।